ललित घोल सांचे सर्वार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भक्रतुंड महाकाय देवे प्रपन्ना हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतास्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासे अपां स्वरूपस्तुयाद्वयेत् आप्यायते कृष्णबलं भवीर्ये त्वं वैष्णवीजात्यनन्दवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समास्त्वमेतत् त्वं हे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि वेदः श्रेया समस्ता सकला जगत्सु त्वयेकया बोधितमम्भयेदत् पादे स्तुति सब्जपरापलोकिः सर्वभूताय दा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनि त्वं सुता सुतैका भवन्तु परमोक्त्या सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणे नमोऽस्तुते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरितो शक्ते नारायणे नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सृष्टिसृजे विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणे नमोऽस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्बरक्षरिके देवि नारायणे नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्रहरिधरे महामृगभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणे नमोऽस्तुते मयूरकुकुटभृते महाशक्तिधरे नरे कौमारि रूपसंस्थाने नारायणे नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदासागृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणे नमोऽस्तुते गृहीतो ग्रामहाचक्रे दुष्टोधरे वराहि रूपणे शिवे नारायणे नमोऽस्तुते नृसिंहरूपे नोग्रेण हन्तुं दैत्याङ्गदोधमे त्रैलोक्ये त्राणसैते नारायणे नमोऽस्तुते
किरीटिनी महावज्र सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्त प्राण हरे चंद्रे नारायणे नमोस्तुते शिव ज्योति स्वरूपेण हत नेत्र महाबले घोर रूपे महारावे नारायणे नमोस्तुते दृष्टा कराल भगने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महामिद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रे महामिद्ये नारायणे नमोस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूति भावितामसे नियते त्वंबसि देशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतद्देवनम् सौम्यम् लोचनतय भूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालभर्तृकर्मशेषादुर्दोधनम् त्रिशूलम् पातुनोर्भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनश्रीनेत्रेणासि स्वनेन पूरया जगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरासिर्मदामङ्गजर्जितस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयाम् रोगानशेषानवः श्रीदुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानवेषान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नानाम् त्वामाश्रिताय श्रयताम् भयान्ति एताकृतं यत्कदनं त्वजाध्य धर्मानुषां देवि महासुराणां रूपैरनैकैरबहुधा त्वमोदिं कित्वाम्भिकेदप्रतिगान्या विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाचेषु वाक्येषु चकादुधन्या ममात्मघरे महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशाश्च नाग जत्रारि योदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाति मध्ये तत्रास्ति धात्वम् परिपाशि विश्वम् विश्वेश्वरीदाम् परिपाशि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये द्वैवाग्निनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्भिद नित्यम् यथा सुरभदा धनुनेव सद्यः पापानि सर्वजगताम् प्रथमम् नयास उत्पादपाकयनिदाश्च मोहोपसर्गान् प्रण्वानाम् प्रसेदत्वम् देवी विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानाम् वर्धा भव देव्योवाच भरदाहम् सुरगणाम् वरम् जन्मनदे च त्वम् वृद्धम् प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाहोचुः सर्वाबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्यन्तरे प्राते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भ सेवान्याम् उत्पादेते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यधिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि भैपचिन्दासुदानवान् भक्षयन्दाशदानुग्रहम् भैपचित्तान् महागुरान् रक्ताधन्ता भविष्यन्ति तारिमे कुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुबन्धोगा भविष्यन्ति सदसंरक्तदन्दिकाम् भूया च शतभाजिकामनाभिष्टामनाम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिया ततः शतेन नेत्राणाम् निश्चयिष्यामि जन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदाक्षीमिति माम् ददः
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि दुराशाकैराभीष्टैः प्राणदारकैः शाकम्भरीति विख्यातं दधायस्यामिहं भवे तस्यैव च भरिष्यामि दुर्गमाग्रमहाधुरम् दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमालये रक्षासि रक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारिणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोषं ध्यानं मलमोदयः भीमा देवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यास्त्री लोके महाभागां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शङ्गेशरफलम् त्रैलोक्यस्य दाताय वदिष्यामि महागुणम् ब्राह्मणेऽपि च मां लोकाः सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादा धनभूता भविष्यति तदा तदा मरीयाहं करिष्याम्यरि संशया ओ सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्तिभाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणान भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले है धन धन की वृद्धि करने वाले है। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विध्यं धाम समं प्रभां मृगपते कन्धस्थितां भीषणां कन्यां विकलवलखेट विलसत् हस्ताभिरा सेविताम् हस्ते शस्त्रगदाशिखेट शापं दुनं दर्जने बिभ्राणा
श्रीधराम दुर्गम त्रिनेत्रं भजे ॐ देव्योगज हे विश्वेशमानित्यं सौजदेयः समायुधः तस्याहं सकलबाधानादिश्यामि संशयम् मधुकेतमनाजं च महिषासुरगाधनम् कीर्तयिष्यन्ति चेतलं शुम्भनिशम्भ्यो अष्टम्यां च यतो नश्यान्नभम्यां चेकचेतसः शोषन्ति देवदेवच्च मम माहम्यमुत्तमम् नातेजां दुष्कृतं केचे दुष्कृतोता न चापदः भविष्यति न भारिज नादेवेशवियोहिणम् शत्रुतो न भयं तस्य दश्यतो वा न राजतः न शस्त्रानर्यो योगा कदा जयसं भविष्यति तस्मान्ममेतम् आहभ्यं पठेदभ्यं समाहिते शोषभ्यं च सदाभ्या वरं स्वस्त्येतत् उपसर्गान् शेषासो महामारे समुद्भवान् तथा देवितमुत्पादम् आहत्यं समयेन मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न दद्धि मोक्षामि सान्निध्यं दत्त मे स्थितम् बलिपदाने भूयायामग्निकाले महोत्सवे सर्वं मे सजलम् उच्चारं चापि मे भज जानता जानता भावे बलिभोजां दधागिलम् प्रतिशिष्याम्यहं वेचा वह्निहोमं दधागिलम् शस्त्रकाले महापूजा क्रियते व्याजवाचके तस्यां मे तन्माहव्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिनमुक्तो धनहान्यसुदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मे तन्माहव्यं तथा ज्योत्पत्यराशुवा पराक्रमं च युद्धेषु यायन्ते निर्विहापमान् हरिपमः संशयं जाने कल्याणं जोपवद्यते नन्दते च पुनः पुंसं माहान्तं शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदाधोसप्रदर्शने ग्रहपीडासु शोग्रासु माहान्तं मम उपसर्गः शपं जाने ग्रहपीडासु धारणा दुःस्वप्नं च निर्वदुष्टं दुःस्वप्नमुपयायते बालग्रह विभूतानां बालानां जान्तिकारकम् सङ्घातवेदे जनिनां भर्ते कर्णमुत्तमम् दुर्वृत्तानां लेजानां बलहानिकरं बलम् रक्षोभूतभिषाजानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहाभ्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पालिकरूपे च कन्दरीपे ददोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये अन्यषाम् अन्ये च विविधैवोगैः प्रदाने वत्सरेण य प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सोचरितेषुरे श्रोतमहरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनाङ्गेति न मम युद्धेषु चरितं जन्मे दृष्टते च निवरणम् तस्मिन् श्रुतेभ्यं भयं भुत्वां न जायते जुषुमादेषु यो याश्च याश ब्रह्मजलिमिला ब्रह्मणा जागृदासोपयजन्ते ज्वामदे अरण्ये प्रान्तरे भावेदावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वामृधाजूने गृहीतो वाभिषत्वः सिंहव्याघ्रानुजादो वामणे वामनहस्तविः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञतो बन्ध्यो बन्ध्वगलो विवा आघोनितो वा वादेन सुधा बोधे महानवे पथस्तो जाभिषस्येषु सङ्ग्रामे विजुदारुणे सर्वाभाराजु घोराजो वेदनाव्याधितो विवा सम्रह्ममेतैतं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभाव सिंहाजा तस्य भोवेन सदा दूरादेव महाशन्दे स्वरदस्य इदं मम ऋषिरुवाच इति उक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां दत्तेर्भान्तरदीयत ते अपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारा यदा परा यज्ञभागभुया सर्वे चक्रविनिहतार्यः दैत्याचरेभ्यादेते शुम्भे देव इवायति जगद्विध्वंसने तस्मै महोघ्रे दुर्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः
संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वये तद्भूयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साजादिराज विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं वयश्यति व्याप्तं देव सकलं ब्रह्माण्डं मणियेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारे स्वरूप्या सेवकाले महामारे देवसृष्टि विवर्त्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले दिनां सेवा लक्ष्मी वृद्धि पदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भूयता पुष्पे धूपगन्धादि सुधा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभा ओत्सत्यकुञ्जिकास्तोत्र शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्वोत्तमोत्तमम् येन मन्दप्रभावेन चण्डीलापः शुभो भवेत् नागवल्लम् नार्गलः स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासो न च वाजनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठवरम् भवेत् अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयानेव पाहरे मार्णम् मोहनम् यक्ष्मम् सम्बधोचारिणादिकम् पाठमात्रेण संस्थित्य कुञ्जिका सोत्तमोत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भिच्चे ॐ ह्रों ह्रों क्लीं ह्रों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भिच्चे ज्वल हं लं 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 वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुवर्धिनी नमः केशवहारिण्यै नमस्ते महिषासिनी नमस्ते शुभहन्ते च शुभदुर्गादिनी जागृतं हि महादेवी यमं वृद्धिं करोष्यमे ऐङ्कारे सृष्टिरूपायै ऋङ्कारे प्रतिपालिका क्लिङ्कारे कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारे वरदायिनी भिच्छे च वैदानित्य नमस्ते मन्दरूपिणी दां ह्रीं धूं धूयते पर्णे भां भ्रीं भूं भागदेश्वरी क्रां ह्रीं ह्रूं कालिका देवी शां श्रीं सौम्ये शुभं करो हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै झं 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 भनाधिनी भ्रां ह्रीं हुं भैरवे भद्रे भवान्ये दे नमो नमः हं गं जं गं गं वं यं षं ह्रीं धूं ह्रीं ह्रीं हं षं द्रियाघ्रं द्रियाघ्रं त्रोटय त्रोटय देवतं गुरु गुरु स्वाहा पां भीं भुं पार्वती पूर्णा खां ह्रीं घुङ्घे जले तथा सां ह्रीं सं सप्त जले देव्या मन्दसिद्धं करोष्य मे इदं दोगुञ्जिका स्तोत्रम् मन्दयागति हेतवे अभक्तेनैव धातभ्यम् गोपितं रक्ष पार्वते जस्तु कुञ्जिकया देवे हीनां सप्तजलें वरे नाथस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा ओ अथ दुर्गापद्धरसक नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्बे नमस्ते जगद्व्यापिके वेश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्वयि दुर्गे नमस्ते नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सहारस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि गाहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य विघ्नाकरस्य भयातस्य भीतस्य भद्रस्य जन्तोः स्वमेकाघतिर्देवि निस्तारकर्मे
नमस्ते जगद्दारिणे दुर्गे अरण्ये रमे दारुणे शत्रुमध्ये जले संस्फुटे राजगृहे प्रभाते त्वमेकाग्रतिर्देवि निस्सारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि ग्राहि दुर्गे अपारे महादोषे व्याघ्रघोरे शिवस्ताभरे वाजकान्देह बाजा त्वमेकाग्रतिर्देवि निस्सारनौका नमस्ते जगद्दारिणि ग्राहि दुर्गे नमस्तन्तिके दण्डधुर्दण्डलीला समर्कण्डिका खण्डलाशेषदत्तुः त्वमेका सतिलवेन्नभन्दो वहसि नमस्ते जगत्तारिणि ग्राहि दुर्गे त्वमेका सदारादिसागरस्वभादे अनेकाखिला क्रोदनाक्रोदनिष्ठा इरादिङ्गला त्वं सुषुमनाजनाडि नमस्ते जगद्वारिणि गाहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभोदे सदाकारराज्ये स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि ग्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिगणजबराणां चारिपीडितानां निपते गृहगतानां दस्युविश्वासिदानां त्वमधि शरणमेका देवि दुर्गे प्रधीर श्रीभगवते स्तोत्र जय भगवती देवी नमो हरे जय पाप विनाशिनी भव भरते जय जो तन जो भक्त पार धरे प्रणमामि तुझे विनाशि हरे जय जय
प्रिया हे नाम भक्ति हे नाम सुरेश्वरी जन्तो जिदं मया देवी परिपूर्णं ददस्तु मे अपराध जनं कृत्वा जगदम्बे जिजोजरे जां गतिन्द्र समापनोति ना त्वां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणम् प्राप स्वां जगदम्भिके इदानीम् अनुपं व्योहम् जते जते तथा कुरु अज्ञानानि स्मते भ्रान्तः यञ्जोरामधिगां कृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन् मातः सच्चिदानन्द विग्रहे देहानामिमां प्रेत्य प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोपे त्वां गृहाणस्मद्रितां जपां सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्र सुरेश्वरि सच्चिदानन्द ज्योतां भवानि माता तेरि सदाहि मनोर्थ पूर्ण कर्ण भाई माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय तो अभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती स्तुति करते हैं माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ भगवती का नमस्कार करते ही इस माँ जगजन ने जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह साधक जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनका जीवन जो है वह मंगलमय बना रहता है। उनके जीवन कभी कभी विघ्न बाधा नहीं आती है सभी कष्ट दूर होते हैं दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन यात्रा जो है उनकी सुखद होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं अपना अवधि चाहते हैं अपनी उन्नति चाहते हैं परिवार में खुशहाली चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक देवी की पूजा इस शक्ति उपासना भगवती के नाम का जब माँ का ध्यान जो है माँ की आराधना माँ की अर्चना पूजा अवश्य करनी चाहिए।
सर्वस्य बुद्धि रूपेण जन श्रृति संसदे स्वर्गवर्गित देवी नारायणी नमस्ते। जो भगवती जो है बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती नारायणी के चरणों में हम सब भक्त भक्ति भाव से नमस्कार है। भगवती हम भक्तों का कल्याण करें। तो सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनश्रेष्ठ संसदे सब लोगों के हृदय में बुद्धि क्रम विराजमान रहने वाली, तो जो भगवती अपने भक्तों के हृदय में सदा सर्वदा कल्याण में बुद्धि क्रम विराजमान रहती है, जो सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और देवी की कृपा से जब जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं तो मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। फिर जो ही मोक्ष को देने वाले जी भुक्ति अर्थात संसारिक सुखों को देने वाली भी जय भगवती है। संसारिक भोगों को देती है और अंत में पर मोक्ष को देने वाली भी जय भगवती है। तो देवी के जो शरणागत होकर के भगवती की आराधना करते हैं निश्चय रूप से भगवती उन भक्तों का कल्याण करती है। श्रेष्ठ सदी विनाशानाम शक्ति भूत स्नातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। देवी आप श्रेष्ठ पालन और संहार की जो है यह शक्तिभूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो, ये गुणों का आधार है और सर्वगुणमयी है। हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। हे भगवती हम भक्तों का कल्याण कीजिए। तो जय भगवती सृष्टि पालन और संहार की जो है यही आदिशक्ति है, इसी सृष्टि की रचना होती है यही पालन करती है। इसलिए जब भक्त भगवती के शरणागत हो जाते हैं तो भगवती की कृपा से उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बन जाती है, उनके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो इसलिए भगवती की साधना मैं जो आपको बताया कि नाम जब भगवान की जो आराधना अर्चना पूजा करते हैं भगवती के शरण में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आशीर्वाद से जो है मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उसकी जो तीन गुण बतलाए गए हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो रजोगुण की तमोगुण जो है सत्वगुण की जो है यह वह वृद्धि होती है और सभी तीनों गुण जो है जिस मान रूप से यथास्थान जो है ठीक प्रकार से बने रहते हैं। यदि किसी गुण में अधिकता हो जाती है तो वही जो है उसके विनाश का कारण बन जाता है। तमोगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति इतना अहंकारी हो जाता है और बुद्धि काम नहीं करते। साधु गुण जो है जब कम हो जाते हैं तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो उसका ज्ञान उसका विवेक जो उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करती, गलत निर्णय लेती है और वही व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। रजोगुण की वृद्धि होती है अहंकार आ जाता है। इसी प्रकार से सत्वगुण जो है जो इस प्रकार से और तीनों गुणों के अधिष्ठान देवी इस गुहा के अंदर विराजमान है, तो इस प्रकार देवी की जब कृपा होती है तो मनुष्य के शरीर के अंदर ये तीनों गुण जो है बिल्कुल ठीक प्रकार से रहते हैं और उसमें कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। बोलो सच्चे दरबार की जय। इंद्र जो है ये कहते हैं कि 101 वर्षों तक इनके मन में यह विचार आया कि मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करूं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करूं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र ने जो है स्वर्ग के भोगों का त्याग किया, स्वर्ग के भोगों का त्याग किया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है वह ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और कहते कि 101 वर्षों तक जो है इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है ब्रह्मा की सेवा में रहे और फिर जाकर के उसे जो है उस ब्रह्म के दर्शन हुए और जो है ब्रह्म तत्व का ज्ञान जो था उन्हें प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त होना इतना आसान नहीं है, ये बड़ी कठिन तपस्या होती है और तब कर करके ही जो देव कृपा होती है और ब्रह्म तत्व का ज्ञान जो प्राप्त होता है। तो एक बार देवताओं में मनुष्यों में और जो है दैत्यों में ये विचार हुआ कि हम जो है ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है ये तीनों जो है देवता मानव और दैत्य जो है ये तीनों जो है ब्रह्मा के पास गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए और समस्त सुखों का जो है जो उनके जो समस्त सुखों का त्याग कर करके समस्त भोगों का त्याग कर करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिष्य भाव से जो है वहां पर रहने लगे।
ब्रह्मा की सेवा करने लगे और बहुत समय तक जो है जब उन्हें सेवा की, फिर जो है उन्होंने सोचा कि अब जो है पिता ब्रह्मा से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है देवता ब्रह्मा के पास गए और जाकर के उन्होंने उनसे प्रार्थना की, महाराज हमें कोई उपदेश कीजिए, उपदेश दीजिए। तब जो है ब्रह्मा ने एक ही शब्द का उच्चारण किया, ध का उच्चारण किया। अब जो है देवता विचारण करने लगे कि हम जो स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग में जो है यह भोगों की भरमार है, वहां पर सदा सर्वदा स्वर्ग में जो है यह जौवन जो है बना रहता है, वहां पर वृद्धावस्था नहीं है स्वर्ग में। तो इस प्रकार से भोगी भरमार है, तो हमें ब्रह्मा जी ने ध का उपदेश दे करके जिस शिक्षा दी है कि इंद्रिय दमन जो है इंद्रिय पर निग्रह करें, इस प्रकार से स्वर्ग में रहते हुए जो इंद्रिय दमन करें ऐसा हमें उपदेश दिया है ब्रह्मा जी ने। तो वह जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वहां से जब चलने लगे तो ब्रह्मा ने कहा कि ठहरो, जो मैंने आपको उपदेश दिया है क्या उस शब्द का आपको अर्थ मालूम हुआ कि नहीं? तब उन्होंने कहा महाराज आपने द कहकर के हमें ये उपदेश दिया है कि इंद्रिय दमन जो है इंद्रियों को दमन कीजिए, इस प्रकार से इंद्रियों पर निग्रह कीजिए, क्योंकि स्वर्ग में जो है भोगों की भरमार है, तो इसलिए उन पर नियंत्रण करने के लिए ही आपने जो हमें उपदेश दिया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस शब्द का यही अर्थ है और यदि इसे अपने जीवन उतारोगे तो आपका कल्याण होगा। तो इससे जो आपका कल्याण होगा इंद्रिय दमन, फिर जो है देवता चलेगी, आप जो है उसके उपरांत जो है मनुष्य जो है वह ब्रह्मा के पास गई और जाकर के उन्होंने कहा महाराज हमें उपदेश दीजिए। तो मनुष्य को भी उन्होंने द अक्षर ही कहा, एक ही अक्षर द का उपदेश दिया और कहा कि द। तब जो है मनुष्य ने जो है ये विचार किया कि हम जो है जी इस पृथ्वी लोक में रहते हुए जो है हमारा स्वभाव जो है जी संग्रह करने का बना हुआ है, हमेशा हमें लोभ रहता है कि हमें जीव मिल जाए, पूरी सृष्टि का सुख हमें ही मिल जाए। तो इस प्रकार से मनुष्य हमेशा जो है जिस जो चीज हाथ में आ जाती है वो कहता अब ये मेरी ही है, छोड़ता नहीं। तो ये जन्म से ही मनुष्य का स्वभाव है, बच्चे का जन्म होता है देखिए कोई खिलौना कोई वस्तु जो है आप बच्चे को देते जड़ से अपनी मुट्ठी में पकड़ेगा फिर छोड़ेगा नहीं, छुड़ाओगे तो रोएगा। तो इस प्रकार से ये जन्म से ही संग्रह में लगा रहता है और जानता है कि सब जो है जिस संसार की जितनी वस्तु सब मिथ्या है, ये मेरे साथ जाने वाली नहीं है, परंतु फिर भी संग्रह करता रहता है, करता अंत में यहीं पर छोड़ करके जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने हमें द कहकर ये उपदेश दिए हैं कि दान हमेशा जो है संग्रह के साथ साथ जो है आपके जैसे ही धन संपत्ति आते उसके साथ साथ दान की भावना भी होनी चाहिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है मनुष्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि यही पुण्य कर्म जो होते हैं ये जीव के साथ चलता है, बाकी सब के सब यही धरा रह जाते हैं। किसी दीन दुखी सेवा की है, किसी भूखे को भोजन करवाया है, प्यासे को जल पिलाया है, किसी दुखी के कष्ट को दुख को दूर किया है, तो इस प्रकार से यही पुण्य कर्म जो होते हैं ये जीव के साथ चलते हैं और यही कल्याण का मार्ग है। तब जो है उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा हमें जो उपदेश दिए हैं, तो ब्रह्मा को प्रणाम करके जाने लगे। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा कि जो मैंने आपको उपदेश दिए हैं क्या ये आपकी समझ में आया कि नहीं? तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये बात हमारी समझ में आई है कि हम तो लोभवश जो है हमेशा संग्रह करते रहते हैं, तो आपने द कहकर हमें जो उपदेश दिया है कि जीवन में दान भी करते रहें, पुण्य कर्म भी करते रहें। तो ब्रह्मा ने कहा कि यही अर्थ है शब्द का, इसलिए जी मेरा उपदेश है और यदि जीवन में इसको ध्यान करोगे तो हमेशा आपका कल्याण होगा जहां भी और आगे भी, तो इसलिए इसको अपने जीवन उतारना सर्वत्र आपका कल्याण होगा। उसके उपरांत जो है आप मनुष्य तो प्रणाम करके चलेगी, अब दैत्य जो है वह उनके पास आए और आकर के उन्होंने प्रणाम किया महाराज हमें उपदेश कीजिए। तो दैत्य को भी ब्रह्मा ने ध ही कहा, अब जब ध कहा तब जो है देवतों ने भी विचार कर करके ये निर्णय लिया कि ब्रह्मा ने जो उपदेश जो हमें दिया है कि हम जो है स्वभाव से ही क्रोधी हैं,
हिंसा प्रिय हैं, हमेशा हिंसा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं। तो इसलिए द कहकर के जो है ब्रह्मा जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि दया, दया जो है तो जी मात्र पर जो है दया का भाव रखें। तो ये उपदेश जो है ब्रह्मा जी हमें दिया है, ऐसा सोच करके वह प्रणाम करके जब जाने लगे तो ब्रह्मा ने रोका और कहा कि जो मैंने कहा है, जो उपदेश दिया है, क्या इस बात को समझे हो कि नहीं। तब जो है उन देवतों ने कहा, महाराज हम तो हिंसा प्रिय हैं, हिंसा करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, और द कहकर के आपने जो हमें उपदेश दिया है, यही हमें आपने उपदेश आज्ञा दी है कि जी मात्र पर दया रखें। ब्रह्मा ने कहा कि बिल्कुल ठीक समझा आपने, और यदि जीवन में जो है इससे आपने जीवन उतारोगे, मेरे उपदेश का पालन करोगे, तो आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी। तो जी मात्र पर दया रखना। तो इस प्रकार से द अक्ष से तीनों को जो है ये उपदेश देते हैं ब्रह्मा जी, और यही तीन जो उपदेश जो आप दिए हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें हैं, क्या है कि इंद्रिय दमन, जो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपना जीवन जीता है, इंद्रिय दमन इंद्रिय पर निग्रह रखता है, और जो है जीव मात्र ध्यान रखता है और दान करता है, तीन बातें जिसके जीवन में है और उसके जीवन कभी अमंगल नहीं हो सकता। और तीनों की प्राप्ति जो है जय भगवती की एकमात्र शरणागति है, माँ को शरणागत हो जाते हैं, तो जे आशीर्वाद जब माँ से ऐसा प्राप्त होते हैं जिनके हृदय में दया का भाव बन रहता है, क्योंकि माँ जो है ये साक्षात दया की मूर्ति है। दया का भाव जो गुण जो है माँ से प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से फिर दान की प्रवृत्ति जो है और इंद्रिय दमन जो है सात्विक गुण की वृद्धि होती है, भगवती सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। तो ये तीनों गुण जो है माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से, माँ की साधना से, माँ की आराधना से, माँ की भक्ति से, माँ की पूजा से, ये गुण जो है मनुष्य के अंदर जीव के अंदर आते हैं। और इस तरह से कहा है कि देव धनुज मानव सभी लही परम कल्याण, जो सभी जो अपने कल्याण चाहते हैं पालें, जो द अर्थ को दमन दया और उदान, जी यदि इन तीनों को जो पालन करते हैं उनके जीवन कभी कोई अमंगल नहीं होता, सर्वत्र उनका मंगल मंगल होते हैं। और इस परम सिद्धि को देने वाले जय भगवती ही, जिसने अपने दरबार में आपको बुलाया और फिर कृपा कर करके अपने चरण बिठाया, जे माँ जो है उन्हीं को बुलावा भेजती हैं जिनका जे कल्याण करना चाहती हैं, जिनका जे मंगल करना चाहती, जिनके दुखों को दूर करना चाहती हैं। तो इसलिए जे भगवती के माँ भगवती के बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए भगवती जिन पर कृपा करती है उनको अपने दरबार में बुलाती है, और बुला करके उनका कहीं ना कहीं कल्याण करना चाहती है। तो हृदय से तीनों देवी जो है इस गुहा के अंदर विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के रूप में, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अभी सभी माँ के दरबार में आकर के इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो तीनों माताएं जो हैं उन भक्तों को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जीवन में सिद्ध होते हैं। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती हैं, रोग से मुक्ति देती हैं, शत्रु पर विजय दिलाती हैं, देश विदेश में जो है अंग संग रक्षा करती हैं। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी ये धन लक्ष्मी वरदान देती हैं, कार्य में सिद्धि प्रदान करती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं और सर्वत्र जो है मंगल मंगल करती हैं। माता महासरस्वती ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है, सद्बुद्धि देती हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों देवियों की जिन पर कृपा होती है, इन तीनों देवियों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उनके जीवन सदा सर्वदा मंगल मंगल होता, कभी अमंगल नहीं होता। तो इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती की साधना, माँ की भक्ति, भगवती के किसी मंत्र को लेकर माँ की साधना करते हैं, मूल मंत्र का जप करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर जो है भगवती के दर्शन कर करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो
तो उन पर सदा सर्वदा इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। ये सभी तीनों गुण जो है उनके अंदर विद्यमान होते हैं, जिनसे वह संपन्न होकर के सर्वत्र जो है कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके और जीवन में ऐसा निज बना लीजिए, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है इस मंत्र की एक एक माला जप तो अवश्य करें। फिर जब भगवती विशेष दिन होते हैं, जैसे अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, उससे विशेष भगवती की पूजा आराधना अर्चना करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और नवरात्रों में इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करें, तो नौ दिन की जो साधना होती है वह विशेष शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय दिन होते हैं, उसमें इस मंत्र का जो है अक्षय फल हो जाता है। जैसे भी कल जो है अक्षय तृतीया है, तो ऐसी विशेष तिथि होती है, ऐसे विशेष दिन होते हैं जिसमें कि यह पुण्य कर्म जप पाठ स्नान दान वह पुण्य कर्म जो है अक्षय हो जाता है, उस फल का कभी नाश नहीं होता। तो कल जो है परशुराम जयंती अक्षय तृतीया है, तो उस अक्षय तृतीया में किया हुआ जप पाठ जो है स्नान दान भगवान की आराधना अर्चना पूजा जो है इसका अक्षय फल होते हैं। ऐसी विशेष तिथियों में जब मनुष्य जो है चाहे जाने अनजाने में जैसे भी उससे जो सत्कर्म होते हैं उसका अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता और उनका जीवन जो सुख में बना रहता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन जिस मंत्र का मेरे साथ पाठ करेंगे, सभी उच्चारण करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। तभी भजन की वेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपुर से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्ति में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री जयपुर जी। जयकारा श्री बोल सच्चे दरबार की जय। दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है, भैया को
जीवन लाभ पुरानी माँ जीवन लाभ पुरानी माँ जीवन लाभ पुरानी डगमग डोल रही है सुन ले मात भवानी माँ सुन ले मात भवानी तेरा सेवक आया है मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है हाँ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की तेरे सहारे छोड़ दी है मां
अपनी जीवन डोर चरणों में रख लो मां, मैं दास तेरा कमजोर, मेरे घर भी आ जा दादी, 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 तुझे कभी जो फुर्सत है काल का मां, मुझे तेरी जरूरत है। जिंदगी तेरे नाम कर दी है, 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 तेरी इबादत है काल का मां, मुझे तेरी जरूरत है। कभी जो फुर्सत है काल का मां, मुझे तेरी जरूरत है काल का मां, मुझे तेरी जरूरत है। निस दिन तेरी जोत जगाऊं, निस दिन तेरी जोत जगाऊं, निस दिन तेरी जोत जगाऊं, निस दिन तेरी तेरी जोत जगाऊं, इस दिन तेरी जोत जगाऊं, अपनी विनती तुझे सुनाऊं, अपनी विनती तुझे सुनाऊं, अपनी विनती तुझे सुनाऊं, अपनी विनती तुझे सुनाऊं, विनती मेरी सुन लो दाती, विनती मेरी सुन लो दाती, ओ विनती मेरी सुन लो दाती, विनती मेरी कैसी किस्मत है काल का मां, मुझे तेरी जरूरत 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 है। मुझको है माँ तेरा सहारा, तेरे बिन माँ कौन हमारा, 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 मामा कह के तुम्हें पुकारूं, मामा कह के तुम्हें पुकारूं, ओ मामा कह के तुम्हें
सबके तू माँ भाग्य सवारी सबके तू माँ भाग्य सवारी ओ मेरी नैया लगा दो किनारे मेरी नैया लगा दो किनारे माँ मेरी नैया लगा दो किनारे मेरी नैया लगा दो किनारे तुझ बिन मेरा कोई न दाती 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 तेरी इबादत कावर तुझसे पाऊं तेरा प्यार अमूल्य हजाती तेरा प्यार अमूल्य हजाती तेरा प्यार अमूल्य हजाती तेरा प्यार अमूल्य हजाती बड़ी इसकी कीमत है काल का मां जय जय मां मुझे तेरी जरूरत है जयकारा शेरा मालिका बोल सच्चे दरबार की जय मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल लईए मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोल लईए मेरे गुवाह मैनू लोड़ दे गई तेरे एक बार मैनू लोड़ दे दस मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे ते दस मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे ते बार में लुला दे जे तू फा फड़ लईए बार में लुला दे जे तू फा फड़ लईए फिर एक बार मैनू लोड़ दे दी गई फिर एक बार तेरी मंगी मैं मुराद सदा तेरे को
के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे, संतति भाने भवे, श्रीमान जसवी भवे, प्रज्ञा भाने भवे, भूर्भुवः करणे धाने कनिष्ठो भवे, तेजस्वी भवे, धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंबर पाद पुण्यत है सर्वोपकारे भवे, मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्रणाम देश, शरीर वर्चस आयुष्यमारोग्यमाविदात् शिवमानमहीयते धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय को मेरा मदर
सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की है। परम पूज्य पुजारी जी, माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सबक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिल करके बोलना। ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आज
खुशियों से भरे, अब सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी
बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी आवाज गूंजी नहीं, कहते हैं कि दिल से निकली हुई आवाज माता रानी जिससे पहाड़ियों से गूंजती हुई पूरे देश में जाएगी। तो बोलिए सभी दिल से, जोर से बोलिए, बोलो सच्चे